ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਰਟਸ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਕਿੱਲ ਥੈਟ ਯੂ ਲਰਨਡ ਫਰਮ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ठीक है आपने एक यह जी स्किल डिस्क्राइब करनी है एक यह जी चीज दसनी है जिड़ी कि आप सीखी ओल्ड पीपल तो ठीक है जे कि जे कोई जो कि कोई तेजे तो उम्र वा हो सीखी हो सो ए मेन क्वेश्चन बनते हैं वो कि वट द स्किली है हू यू लर्न इट फ्रॉम किस तो सीखी है हाउ यू लर्न इट तुम्हें किस तरह सीखी एंड एक्सपलेन हाउ यू फील अबाउट इट एंड आपने यसप्लेन करना है कि आप किस तरह फील किता स्किल सीख के राइट दैन आप इसका सैंपल आंसर देख लें वैल इट इज़ वैल सैट दैट वैल ये बहुत अच्छी तरह किया जाता है कि जरा लर्निंग है दैट लर्निंग इज असेंशियल टू आर एगजिस्टेंस कि जी लर्निंग है बहुत ज़्यादा जरूरी है असेंशियल है इंपॉर्टेंट है इंपेरेटिव है तुम तो कुछ भी यूज़ कर सदते हो इतने टू आर एगजिस्टेंस अपनी एगजिटेंस ल एज वेल एज इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव रिगार्डलैस ऑफ एज ही है इट्स अ ग्रेट वे एक बहुत ही वीडियो तरीका है ये टू स्टे एक्टिव एक्टिव रहने का रिगार्डलैस ऑफ एज मतलब नो no तो मैटर एज कि नहीं, है, मतलब एज नहीं, नहीं रख दी। देने कह रहे रखनी जो लर्निंग जरूरी कंसैप्ट है एक बहुत एक जरूरी है। तेहे एक्टिव, मतलब अप तो ही मतलब एक बहुत तरीका है बहुत ही वीडियो जरिया है राइट फॉर द सेम रीजन यही सेम रीजन के कारण आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स सो फार इन माई लाइफ मैंने बहुत सारी चीजा सीखिया ने सो so फार हूं तक इन माई लाइफ मेरी लाइफ केवर हालांकि

वर्ब नई एन जी लग के जो आप सेंटेंस का सबजेक्ट बना दें तो उन्होंने आप जीरेंट कहने है ना? तो मैंने की किया लर्निंग इज असेंशियल टू आर एगजिस्टेंस ये अपना हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप वन दैन उस तो बाद मैंने एज वैल एज करके कनैक्टिविटी करती इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव एक ही है अपना सिंपल ठीक है यह आ गया अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर टू फो द सेम रीजन इतनी अपनी फिर कनैक्टिविटी आ गई उस तो बाद मैंने क्या किया आई हैव लर्नड इतने मैं कि टेंस ले आई परफेक्ट टेंस ले आई ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया ये अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया थ्री उसद है एक ही आ गया अपना पेसिव जिड़ी कि मैंने मेरे पिता जी ने सिखाई सी इतने की आ गया अपना फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तुम्हें पूरे क्यू कार्ड कि यूज कर सकते जरूरी नहीं कि इतें ही करना है बस तुम तो सीखना पेगा कि आपटेंस ने यूज़ किना है जो एक मेन चीज होंगी अपनी स्पीकिंग okay, राइटिंग ने सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरीएशन लगे तो भी ट्राई करना है कि जिन्हें भी सेंटेंसि भी बनाओ वेरीएशन लैके बनाओ राइट right? ओके okay, तो क्यूकैड वापस जाने एक्चुअली इट इज नदर दैन टाइपिंग असल होर कोई नहीं टाइपिंग है कैज हूँ मैने टाइपिंग इसलिए चूज किया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स याडल आंसर देखे हो दे क्या देखा हो या तो कुकिंग गर्ल्स क्या कर ने कुकिंग तो बना लेंदियां ने बॉयज क्या करते हैं ड्राइविंग तो बना लेंगे राइट तुम भी यही सोच रहे हो कि हाँ यार ईजी है कुकिंग आपको क्यू कट सुना के आना चलो अपने छे बैंड आ जाएंगे ठीक है ओके okay. है लेकिन तुसी एक चीज़ नहीं सोच रहे एज कुकिंग ड्राइविंग दो स्किल्स ने ठीक है हो सकता स्किल सीखी होवे सारे ने सीखी है मैं भी सीखी है ठीक है कुकिंग भी सीखी है ड्राइविंग भी सीखी है तो दोनों ही मैंने किया अपने ऑलडर पीपल तो सीखिया ने लेकिन हम एक नुकसान क्या है सेम ही एग्जामिनर बैठा है हूँ जैन तो लैके अप्रैल तक यही सेम क्यू कार्ड्स चलन गए जो भी क्यू कार्ड आएगा हाँ जी किसते क्यू कार्ड स्टार्ट हो गया ड्राइविंग किसते स्टार्ट हो गया कुकिंग थे। मतलब बोरिंग जहाँ कंसैप्ट बन जाता है तो एग्जामीनर ते व्यान नहीं सुनता तो अपना आइडिया थोड़ा जहा हट के रखो ठीक है अपना आइडिया थोड़ा जहा अलग रखो जो कि कॉमनली बच्चे यूज़ कर रहे उसमें थोड़ा जहा अपना आइडिया हट के लैके चलना ठीक है तो इतने भी मैं थोड़ा अलग आइडिया ही लेके आई हूँ बहुत घट बच्चे इस स्किल बारे गल करके आन गए उसे राइट तो आप क्या करना है ठीक है अगर क्यू कट पसंद आता ठीक है लेकिन नहीं तो एटलीस्ट स्किल आइडिया इस कट तो लै सकते हो ठीक है तीन तो ड्राइविंग से कुकिंग थोड़ा छोड़ के टाइपिंग तो ता बना लो ईजी बना लो चाहे डिफिकल्ट बना लो इट इज़ अपू यू राइट ओके एक्चुअली इट इज़ नन अदर दैन टाइपिंग असल होर कोई नहीं टाइपिंग है ऑन द कंप्यूटर और लैपटॉप विदाउट लुकिंग एट द कीज कंप्यूटर या लैपटॉप टाइप करना है विदाउट लुकिंग एट द कीज मतलब कीज वाल देखे बिना मतलब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन वाला है एंड मेरे हैंड्स में हैंड मेरी फिंगर्स ने है ना वो अपने आप अप टाइप करे जा रही है मैं बार बार कीबोर्ड बोर्ड वाल देखने की नीड नहीं है मतलब मैंने hey guys, वो वाली टाइपिंग सीखी इन दिस कंटेंपरेरी इपोक ए गाइज हूँ जिम्मेदार इन दिस मॉडर्न एरा यूज कर लें ना बहुत ज्यादा कॉमन है तो उसके मैं क्या लेके आई हूँ इन दिस कंटेंपरेरी इपोक such devices have become the necessity of everybody's life hun is modern era de vich oh kehende ne ki jehdiya devices ne kehdeya devices mainne such devices karta kehdeya devices jinna di main upar gal kiti hai ethe apni kya ho jegi guys coherence and cohesion badugi guys apni zaruri nahi hunda ki aapa utthe apart from this moreover eh chizaan naal connectivity increase karke aani hai jadon aapa eh chizaan jadon aapa connectors zyada use kar lende na ta onnu saaf dikhda hai kadi vi कभी भी तुम बैंड डिस्क्रिप्टर चैक कर लिये उसे लिखा होंगे कि अगर सी चो नाइन आउट ऑफ नाइन बैंड स्कोर करना है कल सीसी वे दस रही हूँ ठीक है तो वेद जी कनैक्टिविटी होनी चाहिए ना वो अननोटिसेबल होनी चाहिए हूँ जो मैं इतने कनैक्टिविटी करी सच डिवाइसिज़ फॉर द सेम रीजन यही रीजन करके ठीक है तो यहाँ होंगे कि अपनी कनैक्टिविटी भी होगी लेकिन आप कनैक्टर भी नहीं यूज़ किया ठीक है तो ये चीज़ का ध्यान रखियो ज कनैक्टर ना दिखन है ना उस तरह दीजा उस तरह के जो कनैक्टर हैं उस तरह के जो लिंकिंग वर्ड्स ने ज़्यादा यूज करो जी सच डिवाइस ने एक ही बन गई ने नसैसिटी बन गया मतलब एक जरूरत बन गया अज की लाइफ के हर किसी की लाइफ दीक है नो मैटर वट दे डू इट ये मैटर नहीं करता कि क्या करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स टू टीचरस बच्चों तो लैके टीचरस तक फ्रॉम बिजनेसमैन टू इंप्लाइज फिर चाहे कोई व्यापारी है चाहे वो कोई बंद जाब करता है ठीक है इट इज़ द नीड ऑफ द आर फॉर एवरी वन एक ही नीड ऑफ द आर है नीड ऑफ द आर का मतलब हम गायज मतलब जरूरत है हर किसी की ठीक है नीड ऑफ द आर फॉर एवरी वन वॉकिंग डाउन माई मैमरी लेन हूँ गायस ये ऑलमोस्ट हर क्यों घर यूज़ कर सद नवा है बहुत घट बच्चे यूज करते हैं ठीक है तो यूज कर सकते हो जो दसना हो कि कदों की गल है उस तो पहले यूज कर लो वॉकिंग डाउन ऑन माई मैमरी लेन इसका मतलब क्या होंगे कि जो मैं अपनी यादा दे या जानी हाँ आई कैन रिकॉल दैट मैं विियरली बहुत अच्छी तरह मैं बहुत अच्छी तरह रिकॉल कर सकती सी या कर करता दैट आई वॉज सो स्लो इन टाइपिंग कि मैं बहुत ज्यादा की स्लो सी टाइपिंग टी एज आई यूज टू लुक एट एवरी की बिफोर टाइपिंग एनी वर्ड एज आई यूज टू क्योंकि मैनू आदत सी यूज टू का मतलब होंगे आदत होना टू लुक एट एवरी की मतलब हर की वाल देखना कोई भी वर्ड टाइप कर रेगुलर असाइनमेंट फोर द पार्ट ऑफ माई कारीकुलेंड सबमिटिंग दैम ऑन ड्यू डेट वॉज अ ट्रबल सम टाइम फॉर मी ठीक है जो रेगुलर असाइनमेंट सो मेरे कारीकुलम का एक हिस्साबिंग दैम ऑन टाइम एंड सबमिटिंग दैम ऑन ड्यू डेट एंड ड्यू डेट से उन्होंने सबमिट करना मेरे लिए की ट्रबलसम टास्क आएगा सॉरी इतना टाइम नहीं ट्रबलसम ਟਾਸਕ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਬਲ ਸਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦੈਨ ਵਨ ਡੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਡਿਸਕਸਡ ਮਾਈ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਐਂਡ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਥੈਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੈਟ देयर इज ਨਾਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਆਲਸੋ ਟੋਲਡ ਮੀ ਥੈਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ दैट ईच फिंगर हैज़ इट्स ओन एरिया ऑन द कीबोर्ड उन्होंने मैं होर की दस्या कि जी टाइपिंग विदाउट लुकिंग है वह की है सिर्फ एक आइडिया है दट ईच फिंगर कि जी हर फिंगर एक अपना एरिया मिले हुआ है कीबोर्ड पर ठीक है ही टोट मी हाउ टू प्लेस एंड मूव द फिंगरस उन्होंने मैं दसिया कि आप किमें प्लेस करने हैं ठीक है या अपना फिंगरस कितने केज पर आप प्लेस करके रखनी है तो फिंगरसू किस तरह मूव करना कोई भी वर्ड टाइप करने के लिए

वेंटअप ग्रैजुअली हूँ इतें वेंटअप कर सद इनक्रीज कर सकते हो जो टास्क वन के इनक्रीज़ लिए सनोनिम्स यूज कर सकते हो कोई भी यूज कर सकते हो ठीक है कि जी मेरी टाइपिंग स्पीड सी है वह की है हौली हौली ग्रैजुअली मतलब हौली हौली की है इनक्रीज मतलब हो गई वेंटअप होगी बद गई एंड नाओ एंड हूँ आई फील सो एक्सटैटिक मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटैटिक मतलब होंगे गाइज खुश मैं बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक फील करती हूँ दैट आई कैन टाइप एनीथिंग विदाउट इवन लुकिंग एट द कीबोर्ड एट अ वेरी गुड स्पीड कि मैं हूँ कुछ भी टाइप कर सी आई कैन टाइप एनी थिंग बिना देखे विदाउट ईवन लुकिंग एट द कीबोर्ड की बोर्ड के बिना देखे एट अ वेरी गुड स्पीड एक बहुत ही अच्छी स्पीड से थैंक्स टू माई फादर एंड द फैक्ट दैट टाइपिंग कैन बी डन विदाउट लुकिंग एट द कीज मेरे फादर का बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड द फैक्ट इस फैक्ट का भी थैंक्स कि जी टाइपिंग है वह हो सकती है बिना देखे है ना कि इसते सो गायस यही सी अपना क्यू कार्ड हम आप इस जो फॉलोअप क्वेश्चन देख लें फस्ट फॉलोअप क्वेश्चन है गायस वट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द पेरेंट्स कि जेड चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स तो क्या कुछ सीख सद हैं वेल चिल्ड्रन कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स जेड चिल्ड्रन ने जो किड्स ने, ने वो कि ये बहुत सारिया चीजा सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स तो लाइक like, किस तरह होरपैक्ट करना ठीक है वर्किंग हार्ड हार्ड वर्क करना हेल्दी ईटिंग अच्छा खाना हैल्पिंग द पुअर एंड नीडी जेडे पुअर एंड नीडी हैं जिन्होंने लड़ है है ना जो गरीब लोग हैं या जे जिन्हू है है ना उन्होंने हेल्प करना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होर बहुत कुछ अपने पेरेंट्स भी अपना बहुत सारा कुछ सिखाते हैं है ना राइट दे आर द फर्स्ट टीचर्स अपार्ट फ्रॉम दीज हूँ गाइज मैंने देखो इतने दिस नहीं कर क्योंकि मैंने उपर बहुत सारे यूज़ करे से ना तो मैंने इतने क्या यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम दीज इ सारा तो इलावा सिंस किड्स नोटिस एवरी सिंगल थिंग क्योंकि जो किड् बच्चे ने करते हैं हर एक सिंगल चीज सो दे कैन ईवन लर्न सो मैनी थिंग विदउट बाई दैम सो की लर्न कर सकते ने बहुत सारिया चीजा लर्न कर सकते ने उन्होंने बिना सिखाए दैट्स पाए इसी करके इट इज सैड दैट ये जाता है कि जो पेरेंट्स हैं शुड बिहेव वैल इन फ्रंट ऑफ दैम ठीक है ताइए किया जाता ना कि बच्चों सामने थोड़ा जा सही तरीके न पेश आओ गुड बिहेवियर न पेश आओ ये सब कि की बच्चे सामने थोड़ा आप सही तरीके पेश आओ क्योंकि बच्चे उर द मोडल फॉर देअर ऑफ स्प्रिंग क्योंकि मॉडल ने कैंड ऑफ kind of है ना? अपने, offsprings मतलब guys, अपने बच्चे मतलब गायस अपने बच्चे बच्चे बहुत जल्दी कॉपी कर लें बहुत जल्दी सीख लेंगे क्या जाना है ऑफ स्प्रिंग हैं आप कला नहीं यूज करना ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਚਿਲड्रन ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤ राइट नेक्स्ट अपने को वट नॉलेज कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम दरअ ग्रैंड पेरेंट्स केड़ी नॉलेज है जेडी कि चिल्ड्रन लर्न कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स तो इन टूडेज टाइम वीर द ट्रेंड ऑफ वर्किंग बोथ द पेरेंट्स इज ऑन राइज जिथे कि ट्रेंड है कि बोथ जो पेरेंट्स हैं वह कम करते हैं वह राइसते हैं मतलब है, है ना ट्रेंड वह इस चीज़ का it is often seen that ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡਪੈਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦਾ ਵਾਂਸ ਹੂ ਕੀਪ ਅ ਵਾਚਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਓਨ देयर ਗ੍ਰੈਂਡਕਿਡਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹਨਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ 올 द बेसिक लेसनस सो ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਸਨਸ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਭੂਲਣਾ ਰੇਡਣਾ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਪੈਰੈਂਟਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ राइट मोर ओवर ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੀਚ देम अबाउट ਵੇਰੀਅਸ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਰੋ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਿਰਵਿਧੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਨਾ ओ, चीज़ा दसते हैं स्पैशली जोड़े दादा दादी जी टाइम के होंगे सके रइट एंड देर एक्सपीरियंसिस एक्सपीरियंसिस राइट क्योंकि वो चीज़ा जो अगे देखनिया वो, वो लाइफ दे देख चुके हैं तो उन्होंने पता है किस तरह करके करके कर क्या नतीजा निकलेगा तो उन्होंने पता है मतलब उन्होंने एक्सपीरियंसिस है तो अपने एक्सपीरियंसिस शेयर कर सदन सिखा सद सिस दे हैव लिवड सो मैनी एजिज ऑफ देयर लाइफ सिंस क्योंकि जीडी उन्हों की लाइफ है है ना वो बहुत सारी जी उम्र है वह जी चुके हैं राइट नैक्सट अपने कोशन है वट ऑफ हैल्प डू यू थिंक ओल्डर पीपल नीड तू लगता है kind of help older people तो की लग किस तरह की हैल्प चाहती है ओल्डर पीपल नैल इट मे वेरी फ्रॉम परसन टू परसन यिपेंड करता है परसन टू परसन अकॉर्डिंग टू देअर हैल्थ सराउंडिंग फैमिली एटसैक्ट्रा मतलब उन्होंने हेल्थ किस तरह की है उन्होंने फैमिली किस तरह की उन्होंने सराउंडिंग किस तरह दी ने दीज़ा के उत्ते डिपेंड करता है लाइक an unhealthy senior citizen may need help for regular doctor visits जैसे थे एंड आएगा एंड टेस्ट्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके विद देयर हेल्थ लाइक कोई अगर अनहेल्दी सीनियर सिटीजन है कोई अनहेल्दी सीनियर सिटीजन आपने कोल ता उनो नु हो सकदा है मतलब जेड़ा जिदी तबीयत नहीं सही रहती उनो नु किस चीज दी नीड हो सकदी है रेगुलर डॉक्टर विजिट्स दी थे टेस्ट्स दी ठीक है ता आप ओदे विच ओना दी हेल्प कर सकदे हां जेडी कि आपा कादे ले करांदे हां कि ओ देखन ले कि ओने तबीयत वगैरह सब ओके है हाउ एवर हालांकि ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ के like लाकि दूसरे हाथ से अगर आप गल करिए हटा कट्टा है चाहे ओल्डर है ओल्डर पीपल बहुत सारे देखते दे हैं दे है कुछ वीक हों कुछ हटे कट्टे होंगे आप कहने की लगे ही नहीं कहना उम्र की है ना ਤੁਰ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੈਜਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਮੋਰਓਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਡੇਲੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਚੋਰਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲਾਂਡਰੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਤੈਟਰਾ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰ ਥੈਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਨਾ हाउसहोल्ड काम होगे जिमे की घर दी साफ सफाई होगे कपड़े होगे लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोनी एंड प्रेस करने ग्रोसरी शॉपिंग ठीक है जेड़ा अपना राशन वगैरह दा जेड़ी शॉपिंग करनी वो हो, हो गया ये जेड़े सारे तरह दे काम ने ओ भी कि ओना दे बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं ओना ली ठीक है ता मतलब बाबा इस तरीके नाल ओना कर सकदे हैं सो गाइस दिस वाज द वीडियो गायज अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो तो बेल बिल्कुल प्रेस करना ना ना लो सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे सब न पहले नोटिफिकेशन नोटिफिशन को आवे राइट ओके गायज़ मिलते हैं फिर नैक्सट भीडियो टिल दैन टेक केयर सी सिया बय